नमस्कार साथियों, वर्ष 2018 समाप्त हो रहा है और हम सभी 2019 में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छी आदतों के साथ नए वर्ष में प्रवेश करें। यानी आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि किस तरीके से हम बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। बुरी आदतें, चाहे सिगरेट हो या शराब हो या किसी भी तरीके की एडिक्शन आपको हो, कोई भी बुरी आदत आपके अंदर हो जिसको कि आप छोड़ना चाहें, तो क्यों ना हम उसको वर्ष 2018 में ही छोड़ दें और 19 में हम नई आदतों के साथ प्रवेश करें। तो आज मैं आपको रेकी की विधि, रेकी की मदद से किस तरीके से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगी। साथ में मैं आपको एक ऐसा स्विच वर्ड भी दूंगी जिसमें जिसका चैंट करके आप चाहे किसी भी तरह की बुरी आदत में हो, एडिक्शन में हो, वो दूर हो जाएगा और बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। तो मैं आपको एक स्विचवर्ड भी बताऊंगी। तो शुरुआत में करती हूँ रेकी से। साथियों, अगर आप रेकी में हैं तो आपको करना क्या है, किसी भी तरह की अगर आप बुरी आदत में हैं तो आप एक सफेद कागज लें और उसमें अपनी सारी आदतों को लिखें, वो आदतें जो आप छोड़ना चाहते हैं। चाहे आप बहुत ज्यादा आप सिगरेट पीते हैं तो आप वो लिखें कि मेरी सिगरेट पीने की जो आदत है वो समाप्त हो चुकी है, अब मैं सिगरेट कभी नहीं पीऊंगा। मतलब हर आदत जो भी आप चाहे छोड़ना, उस चीज को आप कागज में लिखिए और बहुत फुर्सत से बैठकर लिखिए, अच्छे से आपको याद रहे आप क्या क्या लिख रहे हैं, सब कुछ आप लिख दीजिए जितना आपके दिमाग में आए। आपने लिख दिया जो भी आप छोड़ना चाह रहे हैं, आपने लिखा, उसके बाद आप जाइए उसको जला दीजिए, यानी बुरी आदतों को आपने खत्म कर दिया। अब आपको इस समय मान लेना है कि जितनी भी बुरी आदतें थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, अच्छी आदतों को अपने अंदर विकास करना है, विकसित करना है। वो आप कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले अपनी रेकी शक्ति को कॉल करिए, अपने लेवल के हिसाब से अपने हाथों में आप सिंबल लीजिए, सिंबल लीजिए, सिंबल में आप चोकरे लीजिए साथ में, या आप मास्टर लेवल पे हैं तो आप डायकोनियो लीजिए, साथ में आप लीजिए सेह की। सेह की भाव, मानसिक भावनात्मक सिंबल है। मतलब जब भी आप हाथ में सेह की डालते हैं, आप अपने मन में, मन को शांत करके जो विचार देना चाहेंगे, आपका मन उन विचारों को रिसीव करेगा, उनको स्वीकार करेगा। तो आप सेह की डालिए और फिर से चोकरे डाल दीजिए, मतलब चोकरे सेह की और चोकरे का आप सैंडविच डालिए और अपने इस तरीके से आज्ञा चक्र पे अपनी हीलिंग दीजिए। आज्ञा चक्र पे आपको इस तरीके से हीलिंग देनी है और मन में अफर्मेशंस देने हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशंस। कैसे, इस तरीके से जैसे कि मेरी सिगरेट पीने की आदत खत्म हो चुकी है, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं सिगरेट कभी नहीं पीता इस तरीके के, या मैं शराब हमेशा के लिए छोड़ चुका हूं, मुझे शराब अच्छी नहीं लगती। आपको इस तरीके की अफर्मेशंस अपने मन को देना है कि आप सारी बुरी आदतें छोड़ चुके हैं, आपके अंदर अच्छी आदतों का विकास हो रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एक चीज और, अगर आप पढ़ने में आपका ध्यान नहीं लगता, आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं है, तो आप उसमें भी ये चीज अपना सकते हैं कि मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा है, अब मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ, सारी बुरी आदतें मेरी छूट चुकी हैं, ना मैं ज्यादा टीवी देखता हूँ, ना मैं ज्यादा मूवीज देखता हूँ, अब मैं पूरी तरह पढ़ाई में लगा रहता हूँ। इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको देनी है। तो धीरे धीरे जितनी भी बुरी आदतें आपने जला दी हैं, वो सारी बुरी आदतें समाप्त होकर आपके आपके मन में, शरीर और जिंदगी में एक तरह से नई आदतों का विकास होने लगेगा रेकी की मदद से। साथ ही स्विचवर्ड, एक स्विचवर्ड है टाइगर लिली। टाइगर लिली एक ऐसा स्विचवर्ड है जो चाहे आप किसी तरह की एडिक्शन में हैं, सिगरेट स्मोकिंग हुआ, ड्रिंकिंग हुआ, या फिर कुछ भी एडिक्शन हो आपको किसी भी तरह का, तो टाइगर लिली की चैंटिंग के साथ ही आपकी एडिक्शन दूर होने लगेगी। तो रेकी के साथ साथ आप पूरे दिन इसको भी चैंट करिए और फिर देखिए किस तरीके से फास्ट रिजल्ट आता है और आप नए साल में बहुत अच्छी आदतों के साथ प्रवेश करेंगे। तो साथियों, अगर आप रेकी से संबंधित कुछ और जानना या सीखना चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।